आज से कुछ दशकों पहले साइलेंट कॉमेडी मूवीज बनती थी, फिर जैसे जैसे वक्त बदला कॉमेडीज का जेनरा भी बदलने लगा, जैसे हॉरर कॉमेडी, सेक्स कॉमेडी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेक्स कॉमेडी मूवीज के बारे में बताऊंगा जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखना, इसे फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना। हाँ, फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड के साथ तो देख ही सकते हो। पहले नंबर पे जो फिल्म है इसका नाम है ब्लॉकर। इस मूवी की सिंपल सी स्टोरी ये है कि इसमें लीसा मिचेल और हंटर तीनों अच्छे दोस्त होते हैं। इन तीनों की तीन डॉटर्स होती हैं जो कि आपस में तीनों फ्रेंड्स की तरह रहती हैं। सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, लेकिन जब इनके चिल्ड्रन बड़े हो जाते हैं और ये कॉलेज पास कर लेते हैं तो इन्हें जाना पड़ता है प्रॉम नाइट में। और मे भी आपको पता ही हो कि प्रॉम नाइट क्या होती है। यहाँ पे लीसा मिचेल और हंटर अपने बच्चों की वर्जिनिटी बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। मूवी बहुत ही ज्यादा फनी और मैच्योर है, यहाँ तक कि WWE के सुपरस्टार जॉन सीना, जिन्होंने यहाँ पे मिचेल का कैरेक्टर प्ले किया है, वो आपको यहाँ एक अलग ही तरीके से बियर पीते हुए दिख जाएंगे। इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पे जो मूवी है उसका नाम है ट्रेन रैक, जो रिलीज हुई थी 2015 में। 2 घंटे 9 मिनट की इस फिल्म में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक सख्त लौंडा होता है। उसका मानना होता है कि शादी करना या लव करना बिल्कुल बेकार होता है। तभी उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जो उसे बदलने की कोशिश करती है। तो क्या वो उसे बदल पाती है या नहीं, जानने के लिए ज़रूर देखिए ट्रेन रैक। अगली मूवी है द सेक्स डे। इसकी IMDb रेटिंग है 5.1। इस फिल्म में एक मैरिड कपल होता है जो कि अपने प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस को रिकॉर्ड करके रखते हैं, पर एक दिन वो देखते हैं कि वो वीडियोस किसी ने इंटरनेट पे पब्लिक कर दी है और इनके वीडियोस ट्रेंड हो रहे हैं। तो इसमें इन लोगों का क्या रिएक्शन होता है और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए ज़रूर देखिए दिस सेक्स टेप।